हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम विक्टोरियन पॉइट लॉर्ड अल्फ्रेड ट्रैनिसन की पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉटेंट पोएम है ये टोटल इसमें सिक्स स्टैंडाज हैं फ्रेंड्स ये पोएम क्रीमियन वॉर के बारे में है जहाँ इंग्लैंड ने हमला किया रशिया के ऊपर पर इंग्लैंड के सैनिक संख्या में बहुत ही कम थे और उनके पास सिर्फ तलवारें थीं जबकि रशियन सोल्जर्स के पास तोपें थी यही कहा गया है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड एक हल्की टुकड़ी एक हल्की सेना की टुकड़ी का हमला आइए शुरू करते हैं पहला स्टैंडा है हाफ अलीग हाफ अलीग हाफ अलीग ऑनवर्ड ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द सिक्स हंड्रेड बहुत ही पॉइटिक स्टाइल में स्टार्ट हुआ है ये कि लगभग आधी लीग है ये आधी टुकड़ी है ये आगे बढ़ रही है वैली ऑफ़ डेथ में जा रहे हैं यानी मौत की घाटी में और सवार हैं ये 600, मतलब इनकी संख्या बहुत ही कम है सिर्फ 600 सौ सोल्जर हैं फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड चार्ज फॉर द गन्स आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड हमला करो उसने कहा किसने कहा कमांडर ने इंटू द वैली ऑफ़ डेथ रोड द सिक्स हंड्रेड छः सौ लोग गए मौत की घाटी में फॉर्वर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देयर अ मैन डिसमेड आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड क्या वहाँ कोई व्यक्ति है जो डिसमे है डिसमे मतलब डरा हुआ घबराया हुआ आश्चर्यचिकित्सा नॉट दो द सोल्जर न्यू हालांकि सैनिकों को पता था समन हैड ब्लंडर्ड किसी ने गलती की है ब्लंडर यानी कोई बड़ी गलती देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई पर उन्हें सामने नहीं बोलना था देयर्स नॉट टू रीजन वाई उन्हें तर्क नहीं करना था कारण नहीं पूछना था देयर्स बट टू डू एंड डाई उनको तो बस करना था और मरना था युद्ध लड़ना था और मरना था इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द सिक्स हंड्रेड मौत की घाटी में गए वो छः सौ सवार होकर कैनन टू राइट ऑफ दैम कैनन टू लेफ्ट ऑफ़ दैम कैनन इन फ्रंट ऑफ दैम तोप कैनन यानी तोप उनकी दाई तरफ भी तोप थी बाई तरफ भी तोप थी सामने भी तोप थी वॉलीड एंड थंडर्ड फेंक रहे थे और गरज रहे थे स्टॉम्ड एट द शॉट एंड शेल और गर्जन हो रहा था उनके ब्लास्ट से बोल्डली दे रोड एंड वेल पर हिम्मत से वो सवार थे और इंटू द जॉज ऑफ़ डेथ मौत के जबड़े में गए इंटू द माउथ ऑफ़ हेल नर्क के मुँह में गए रोड द सिक्स हंड्रेड वो छः सौ सवार थे फ्लैश्ड ऑल देयर सेबर बेयर फ्लैश्ड एज दे टर्नड इन एयर फ्लैश मतलब चमकना चमक रही थी उनकी तलवारें नंगी बेयर यानी नंगी फ्लैश्ड एज दे टर्नड इन एयर जब वो उसे हवा में लहरा रहे थे सैबरिंग द गनर्स देयर बंदूक वालों को काट रहे थे तलवारों से चार्जिंग एन आर्मी एक पूरी फ़ौज पर हमला कर रहे थे वाइल्ड ऑल द वर्ल्ड वंडर जब पूरा संसार आश्चर्यचकित था प्लन्ज इन द बैटरी स्मोक और वो छुप गए थे बैटरी स्मोक में धुएँ में जो गोलियाँ चल रही थी उसके जो धुएँ थे उसमें छुप गए थे राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक और उन्होंने सामने वाली सेना की जो पंक्ति थी उसको तोड़ दिया और अंदर घुस गए कौसैक एंड रशियन रील्ड फ्राम द सेबर स्ट्रॉक शैटर्ड एंड संडर्ड जो कौक और रशियन थे वो सारे इधर उधर बिखर गए उन तलवारों से जिनका प्रहार उन पे हुआ और वो सब इधर उधर शटर हो गए दैन दे रोड बैक और फिर वो वापस सवार होके आ गए बट नाट नॉट दिक्स हंड्रेड पर वो छः सौ पूरे छ सौ ना आ पाए कैनन टू राइट ऑफ़ दैम कैनन टू लेफ़्ट ऑफ़ दैम कैनन बिहाइंड दैम वॉलीड एंड थंडर्ड एट विद वॉट एंड शेल वाइल्ड हॉर्स एंड हीरो फैल तोपें थी उनके दाएं तोपें थी उनके बाएं तोपें थे उनके पीछे वॉलीड एंड थंडर्ड जो ब्लास्ट कर रही थी गरज रही थी स्टॉम्ड एट विद शॉर्ट एंड शेल वाइल्ड हॉर्स एंड हीरो फैल जब घोड़े समेत थी वो हीरो गिरे थे उसके बाद देन दे दे दैट हैड फॉट सो वेल जो इतना अच्छे से लड़े थे केम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ और मौत के जबड़े से वापस आए थे बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ़ हेल नर्क के मुंह से वापस आए थे ऑल दैट वॉज लेफ़्ट ऑफ दैम उनमें से जो थोड़े बहुत बचे थे नॉट ऑल सिक्स हंड्रेड पर वो सारे लेफ्ट ऑफ सिक्स हंड्रेड छः सौ में से जो बचे थे वेन कैन देयर ग्लोरी फेड उनका ये जो वैभव है ये कब फेड हो सकता है कब मंद हो सकता है कहने का अर्थ है कभी नहीं होगा ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड ओह क्या भयानक हमला उन्होंने किया था ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड पूरे संसार को आश्चर्य हुआ था ऑनर द चार्ज दे मेड सम्मान है उनके हमले का ऑनर द लाइट ब्रिगेड सम्मान है उस लाइट ब्रिगेड का नोबल सिक्स हंड्रेड वो अच्छे छः सौ आई होप आपको ये सिक्स टेंज़ाज अच्छे से समझ में आ गए होंगे जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ यदि आपके एग्ज़ाम में कोई टॉपिक आ रहा है और उसका वीडियो आप मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साथ ही आपको हमारे ये नरेशन पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते हैं उस बेसिस पे लाइक या डिसलाइक करें और अपने फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय